जो भी प्रोडक्शन आप करवाएं जिस भी मशीन से, तो एक बार कंसिडर करें आप इंडस्ट्रियल मशीन को। कभी भी आप जो अम्ब्रेला मशीन होती है 5-6 thousand में आ जाती है, उसको ना देखें, क्योंकि वो एक तो नॉइज़ बहुत होता है, दूसरी चीज़ उसमें जो है वो फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, कर लेंगे तो आपके पास ये रहेगा। स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, करीब इसको 1 साल के आसपास होने वाला है, 9 महीने हो गए इस प्रोडक्ट को, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जैसा चाहे वैसा आप इसमें सेटिंग करके प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, तो ईजी रहता है, फास्ट होता है। छोटे मोटे प्रोडक्ट्स में या कम पैसे का प्रोडक्ट या फिर सेकंड हैंड मत लीजिए, क्योंकि वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या तो फिर आपको एक्सपीरियंस हो कि मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कैसे हैंडल करेंगे। जिसको चाहिए ले रिवर्स का नहीं है, आगे पीछे करके रिवर्स की तरह। अच्छा किससे होगा इससे? कोई मशीन में वाइब्रेट नहीं कुछ नहीं। अच्छा 18 नंबर सुई चल जाएगी। आप धागा कपड़ा सुई ऊपर रुक रही है इसकी, क्योंकि जब भी रुकेगी सुई ऊपर ही रुकेगी, ठीक है। अब इसको आप 30 सेकंड तक दबाए रहे, ये आ गया नीचे, अब सुई नीचे रुकेगी। ये स्पीड कम है अभी, 4000 अभी चलानी नहीं है आपको। आप चाहे जितनी तेज भगा लें फुल दबा दें, स्पीड इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, कम हो सकती है। कम होने से मतलब ये आप सीधा दबाएंगे ये कम हो जाएगी, हटेगी। अब ये आपको, अब ये आपने ऊपर रोकी, हमने ये घुमाया तो ये डिसबैलेंस हो गई, उस टाके पे नहीं आएगी। सीधा अपना भी ले लेता है ये, हमें करना पड़ेगा वो तो आपको सीधा कपड़ा आ रहा है, कपड़ा सीधा करना पड़ेगा, जो लाइन है सीधी वो अपना अच्छे वो तो अपने आप। ये मशीन कपड़े को क्या आया एरर 6, अभी मशीन नहीं चलेगी। इसका क्या है ये, इसका